आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस वीडियो में हम आज जो कूलर मोटर के चार तारे होती हैं दोस्तों, बहुत ही कन्फ्यूजन होती है जिसमें चार तारे ब्लू ब्लैक रेड और वाइट, इन चार तारों का कनेक्शन कैसे करें। अक्सर काफ़ी लोग कनेक्शन करने में गलती करते हैं जिसके कारण उनकी मोटर जो है कूलर की फूक जाती है, या ये दो तारों का कनेक्शन करना है पंप का तो वो भी नहीं कर पाते। तो यही वीडियो हमने आज पूरे डिटेल में बनाई है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए। चलते हैं अब वीडियो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं एक और नए टॉपिक के साथ। हमारे आज की वीडियो का टॉपिक रहा कूलर मोटर रोटरी स्विच एंड कूलर पंप कनेक्शन। जी हाँ, हम आज की वीडियो में कूलर मोटर की जो चार तारें हैं उसका कनेक्शन करना बताएंगे और साथ में हम पंप का कनेक्शन कैसे करना है वो वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कूलर मोटर रोटरी स्विच, देखो रोटरी स्विच तो ये होती है दोस्तों, इसके चार पॉइंट होते हैं। रोटरी स्विच के चार पॉइंट होते हैं जिस पे एक पॉइंट पे पी लिखा होता है, एक पे फिर 3 2 1, ये 3 2 1 है, ये स्पीड होती है दोस्तों, कूलर की स्पीडिंग होती है एक नंबर दो नंबर और तीन नंबर पे चलाना। सेम ही हम रोटरी स्विच दूसरी भी लेंगे जिसपे देख रहे हैं कि यही मेंशन किया है P 3 2 1, ये पंप के लिए स्विच लिए या कूलर के लिए स्विच लिए दोस्तों। तो दोस्तों पहले मैं बेसिक सा बता देता हूँ, कूलर मोटर के चार तारे होती हैं, ठीक है। पहली तार कितनी कौन सी होती है, ब्लू, पहली ब्लू ले लीजिए जो ये मेन तार होती है मेन, ठीक है जी। दूसरी ले लेते हम ब्लैक, ये तीन नंबर की होती है स्पीडिंग वाली। ये होगी अपनी रेड, ये दो नंबर पे लगती है, और ये वाली होगी वाइट, वाइट ये ब्लू वाली मेन होगी। ये तीन स्पीड की तारे होती हैं, ब्लैक रेड और वाइट दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इधर पंप की दो तारे होती हैं, ये भी देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं होता, दो तारे होती हैं एन और पी, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों, और कुछ नहीं होता। अब इसके कनेक्शन कैसे करने वो भी समझ लीजिए। आगे देखिए दोस्तों, हमारे पास 3 पिन टॉप कूलर लीड है, जो कूलर की लीड होते हैं जो प्लग में फंसाते हैं दोस्तों, ये कूलर लीड है। इसकी दो तारे ले लेते हैं हम, ये दो तारे एन और पी, और ये अर्थ की होती है दोस्तों, इसकी तो जरूरत ही नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तो अभी कनेक्शन कैसे करने वो ध्यान से देखिए। जो पहला ये है, ये दो तारे कूलर लीड की होगी, एक जो है ये वाला पी इसके साथ हो गया, राइट। अब देख लें, और दूसरा पी है ये इसके साथ ज्वाइंट हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ से क्या मिल गया अपने को, एन और पी, ये दोनों में हो गया, ठीक है ना, दोनों स्विच में। अभी जो कूलर की जो मेन तार है जो, ये पंप की इस तार पे लगेगी, ये जो कॉमन वाली ब्लू तार है, देखिए दोस्तों ये ऐसे जाके अपने को किस में देनी है, इसमें देनी है, ठीक है। ये सीधा पावर इधर आ गई, और जो कूलर की एक और तार लेनी है जो दोस्तों, वो अपनी किधर लगेगी, ये पंप वाली तार, जो पंप की तार है दोस्तों वो इधर लगेगी, यहाँ से ये लेके ये और ये गई अपनी इसके अंदर, ठीक है। तो एक पंप की तार हुई, एक इसकी, ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ गया। अभी जो कूलर के हमको स्पीड की तारें लगानी है दोस्तों, ये जो ब्लैक है, ब्लैक तार जो क्या है कितने नंबर पे लगेगी, ये सीधा लगेगी 3 नंबर पे, और जो रेड वाली तार है ये लीजिए, ये आ गई अपनी 2 नंबर पे, और जो वाइट वाली तार है ये भी यहाँ से लेके ये आ गई 1 नंबर पर, ठीक है दोस्तों। अब ये जो ये देखिए, ये रह गई एक तार बच गई है जो अपनी पंप की, ठीक है दोस्तों, एक तार जो है पंप की बच गई अपने पास,
वो तार जो पंप की है अपनी, वो अली तार, ये यहाँ से या होते होते यहाँ पे लगेगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और एक तार का टुकड़ा लेके अपने को एक और ये दो नंबर को आपस में मिला देना। जब इसको ऐंठन करोगे आप, और एक और तीन नंबर पे पंप खुलेगा और दो नंबर पे आके बंद हो जाएगा। ये हो गया पंप का कनेक्शन। इधर कूलर का देख लीजिए, ऐसे ही हुआ कूलर का कनेक्शन। अभी दोबारा से फिर रिवाइंड करा देता हूँ दोस्तों कैसे। ये देखिए, ये कूलर मोटर अपने पास, कूलर मोटर की चार तारें होती हैं। पहली ब्लू, ब्लू वाली होती है कॉमन। दूसरी तार होगी अपनी ये तीन नंबर वाली ब्लैक, और ये दो नंबर वाली हो गई रेड वाली, और तीन नंबर वाली है वाइट, ठीक है दोस्तों। तो दो तारें इसकी होती है पंप की। हमने क्या किया, एक टू पिन लीड ली। टू पिन लीड, अभी मैं समझाता हूँ। टू पिन लीड जैसे ये अपनी टू पिन लीड ले ली, या थ्री पिन लीड, ये दो तारे हैं देखिए दोस्तों, ये वाली दो तारे, ठीक है ना दोस्तों, ये दो तारे। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास पंप है, इसकी दो तारे हैं देखिए, ये दो तारे, देखिए यहाँ पे पंप आ गया, ये वाला पंप, और ये दो तारे हैं, ये दो तारे हैं, ठीक है ना, तो दो तारे हैं। तो ये बनी है रोटरी स्विच। अभी जो समझ लीजिए, ये इसकी एक तार सीधा जाके ये पहले रोटरी स्विच की पी पे लग जाएगी, ठीक है जी। जो हमने यहाँ से लिया, यहाँ से लग गया, उससे पहले क्या करना अपने को, एन वाली एक पी पे लगा देनी है, और ये जो पी वाली है और दूसरी रोटरी स्विच है, मतलब जो लीड है, ये वाली लीड है सबसे पहले कनेक्शन करने के लिए। पहले ये सॉकेट देख लीजिए, ये सॉकेट को रोटरी स्विच लेनी है अपने को। ये एन वाली तार एक पी में लग जाएगी और दूसरी वाली तार एक पी में, इसका काम खत्म, इशू का काम खत्म, ठीक है दोस्तों, इसके कनेक्शन हो गए। अभी क्या लेनी है, पंप की तार लेनी है, पंप की यहाँ से लेनी है, और ये जो हमने ये एन वाली तार है, ये सीधा जाकर कनेक्ट है पी में होगी, पंप की एक तार इसमें कनेक्ट हो गई, ठीक है ना, पंप की तार। और जो दूसरी पंप की तार है, ये अपने दो नंबर पे आ जाएगी, और ये तीन और एक आपस में शॉर्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। इसका हो गया, ये हो गया पंप के कनेक्ट। अब कूलर के कैसे करना है, देखिए एन और पी यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे एन आ चुका और यहाँ पे पी, जो मैंने कूलर का बताया था। अभी हमें खाली स्पीड की करनी है, ठीक है ना। तो उसके लिए पहले कूलर की जो कॉमन वायर किसके इसमें जाके जो है अपने पास पी वाली, इधर आई है ये ब्लू तार को सबसे पहले इस तार में पी के साथ ज्वाइंट कर देना, तो इसका मामला ख़त्म। उसके बाद क्या करना अपने को, ये जो ब्लैक वाली तार है, ब्लैक तीन नंबर में लगानी है, रेड दो नंबर पे लगानी, और वाइट एक नंबर पे लगानी। ये तीनों क्या स्पीड की तार है दोस्त। आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी, और हमने इस पे बोर्ड पे बना के दिखा दिया। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी हो या कुछ आप पूछना चाहते हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और मेहनत लगती है दोस्तों जितना हो सके दबा के इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये कनेक्शन डायग्राम की बहुत लोगों को ज़रूरत होती है, और कई बार वो कनेक्शन नहीं कर पाते। एक भी तार इसकी ब्लू वाली तार भी गलत लग गई ना दोस्तों, तो ये मोटर क्या फूक जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।